बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप फाइव। हम पांच एंकर्स आपको बताने वाले हैं, पांच बजने तक 25 खबरों का पूरा अपडेट क्या है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान एक हो जाओ, हमें दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर रहना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह की याद में शुक्रवार को ग्रैंड मस्जिद में जब जमा हुए तो ये हुंकार भरे। इसराइल ईरान के बीच जंग के दरमियान ही सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक बार फिर से नेतन्याहू को धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने तेहरान के जुमे की नमाज अदा करते हुए ये बात अपनी कौम से कही। इस दौरान नमाजियों को संबोधित किया सुप्रीम लीडर खामनेई ने दुनिया के मुस्लिमों को एकजुट रहने के लिए कहा। कहा कि कुरान की नीति मुसलमानों के लिए यही है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें, साथ ही इसराइल पर फिर हमले की धमकी दी। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल का लगातार हमला जारी है। इसराइली हमले में मारे गए हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन की भी मौत का दावा किया जा रहा है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक विमानों ने जमीन के नीचे बने बंकर पर बमबारी की। यहां पर हिजबुल्ला के टॉप अधिकारी बैठक कर रहे थे। सैफुद्दीन नसरल्लाह की तरह ही काली पगड़ी बांधता है। अमेरिका ने उसे 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। वो हिजबुल्ला के राजनीतिक मामलों को देखता है। इधर अफ्रीकी देश कांगो में बड़ा हादसा हुआ है। नदी में नाव पलटने से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। नाव पर क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। किटुकु बंदरगाह से कुछ मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। नाव दक्षिण किवू प्रांत के मिनोवा से उत्तर किवू प्रांत के गोमा जा रही थी। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दो जिलों की सीमाओं पर यह मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 7 नक्सली ढेर हुए इस बात की खबर मिल रही। दंतेवाड़ा और नारायणपुर पुलिस मिलकर सीमा पर एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। रुक रुक कर फायरिंग की गई। 7 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की भी खबर मिल रही। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, पुलिस नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही नारायणपुर में। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर दोनों जिलों की पुलिस संयुक्त तौर पर ऑपरेशन चला रही है। रुक रुक करके फायरिंग हो रही है। ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। तो आपको बता दें इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं, दो जिलों की सीमा पर दोनों जिलों की पुलिस मिलकर एक ऑपरेशन चलाए हुए हैं और इस अभियान में, इस ऑपरेशन में 7 नक्सली अब तक ढेर हुए हैं मुठभेड़ में। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर दी गई। कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए। एक बार फिर नक्सली मांद में घुसकर ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 150 से अधिक नक्सली इसी वर्ष ढेर किए गए हैं। 2 साल के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल मुक्त देश को बनाने का संकल्प लिया हुआ है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश मिश्रा हैं जगदलपुर से, अशफाक अहमद हमको नारायणपुर से इसकी खबर देंगे और वेद प्रकाश संगम भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों से हम अपडेट लेंगे। इस वक्त सबसे पहले अशफाक के पास चलते हैं। अशफाक बताइए, क्या अपडेट आपको मिल पाया इस मुठभेड़ को लेकर? आज यह देखिए पुनीत, मुठभेड़ जो है वो दोपहर 1 बजे से स्टार्ट हुआ और ये थुलथुली का जंगल है। थुलथुली जो है दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के समीप सीमावर्ती इलाके पे पड़ता है और लगातार जो है पुलिस को ये सूचना आ रही थी कि इन इलाकों में माओवादियों की स्थायी बैठक है, स्थायी कैंप माओवादी वहां पे लगा रखे हुए हैं। पुलिस ने इसको देखते हुए ऑपरेशन लॉन्च किया था और ऑपरेशन जो था ये ज्वाइंट ऑपरेशन था दंतेवाड़ा जिले और नारायणपुर जिले के डीआरजी एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों के द्वारा। आपको बता दूं फोर्सेस जो है इन्होंने थुलथुली के जंगल में बड़े माओवादियों की घेराबंदी की और 1 बजे से जो मुठभेड़ की बात मैं कह रहा हूं, ये मुठभेड़ काफी भीषण थी। काफी आधुनिक हथियारों से माओवादी फायर कर रहे थे और जवानों ने जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मुठभेड़
कुछ देर मुठभेड़ जब रुकी तो जवानों ने जंगल को सर्च किया, वहां से 7 माओवादियों के शव जो है ये बरामद किए हैं, साथ ही 2 आधुनिक हथियार ऑटोमेटिक राइफल जिसमें AK-47 और इंसास जैसे राइफल उसमें सम्मिलित है। ऑपरेशन अभी लगातार जारी है, शाम तक और कुछ इस मामले पे अपडेट आ सकता है। पुनीत जी हमारे साथ में वेद जुड़े हुए हैं क्योंकि 2 जिलों की पुलिस एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप बताएं वेद, आपके पास में क्या कोई अपडेट आया है? जो 7 शव मिले हैं जवानों को, उसको लेकर बाहर आएंगे या सर्च अभी अंदर जारी रहेगा, रसद वहां पहुंचाई जा रही है, दूसरे साथी जाएंगे या फिर वेट किया जाएगा बाहर आने का? ये देखिए पुनीत, एक तो इसे बड़ी सफलता कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से SP बता रहे हैं कि उस इलाके में बड़े माओवादी लीडरों के जमावड़े की सूचना थी और इस सूचना पर नारायणपुर पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस ने मिलकर के ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया और उसमें अब जो ताजा अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक 7 माओवादियों के डेड बॉडीज पुलिस ने रिकवर कर लिया, इसके साथ ही 1 AK-47 और 1 SLR समेत कर लिया है। लेकिन अभी SP का ये कहना है, हमारी बात हुई थी इनसे, चूंकि वह दुर्गम इलाका है, नदी नालों को पार कर वहां पहुंचा जा सकता है, तो ऐसे में वापसी के दौरान भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है, इस लिहाज से नारायणपुर पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो बैकअप पार्टी एक भेज दे ताकि पुलिस पार्टी को वापसी के दौरान नक्सली कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि दुर्गम इलाका और लंबाई जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से काफी ज्यादा है, तो इस लिहाज से पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है और डेड बॉडीज लाने के लिए अभी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी पुलिस का यह भी कहना है कि जो 1 बजे से जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो रुक रुक कर लगातार 2 से 3 घंटों तक हुई, लेकिन अब भी पुलिस इस बात को लेकर के अलर्ट है जो मौके पर मौजूद है कि कभी भी वहां पर नक्सली दोबारा हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो अभी सुरक्षित तरीके से वहां से डेड बॉडीज को निकालना, पुलिस पार्टी का जिला मुख्यालय पहुंचना, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुनीत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हर बार का एक्सपीरियंस यही कि लौटती हुई पुलिस पार्टी पर जब वो शव लेकर लौटते हैं नक्सलियों के, तब भी फायरिंग होती है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। नरेश जी, जिस तरीके से मुठभेड़ चल रही है इसमें 2 बातें तकरीबन कॉमन जैसी दिखती हैं कि 2-2, 3-3 जिलों की फोर्स मिलकर ऑपरेशन चलाती है, 2 तरफा एक्शन होता है, घेर कर मारा जाता है और शवों को सेफली बाहर लेकर आया जाता है। आपके पास में क्या इनपुट्स हैं इस वक्त? देखिए, ये कंपनी नंबर 6 का क्षेत्र है जो कि माओवादियों के पूर्वी डिविजनल कमेटी और जो दक्षिण अबूझमाड़ का क्षेत्र है उससे लगे हुए एरिया को ऑपरेट करती है, क्योंकि ये एक तरह से दंतेवाड़ा और बीजापुर और जो नारायणपुर की सरहद का क्षेत्र है और कुछ हिस्सा जगदलपुर के बस्तर के क्षेत्र का भी इसमें शामिल होता है, तो इसकी वजह से ये लगातार ये जो कंपनी इस पूरे एरिया में ऑपरेट करती है और ये जो पुलिस लगातार संयुक्त ऑपरेशन कर रही है, चाहे आप माड़ और कांकेर के बीच देखिए या आप दंतेवाड़ा और नारायणपुर पुलिस का देखिए, इसकी वजह भी यही है कि नक्सली अक्सर ऐसी ही सरहदों पर सक्रिय होते हैं जहां से वो किसी एक तरफ से पार्टी आने पर वो जानते हैं कि उनका जो ऑपरेटिंग का दायरा है वो एक सीमा तक ही होगा, तो दूसरे जिले तक मूव करके भाग निकलते हैं और मुठभेड़ के दौरान बच निकलते हैं। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए न केवल अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संयुक्त ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, बल्कि जिले के अंदर भी इस तरह से संयुक्त ऑपरेशन हो रहे हैं। और नारायणपुर पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस की बात करें तो देखिए पुनीत, ये करीब 6वां ऐसा ऑपरेशन है इस क्षेत्र पुलिस की तरफ से और लगभग अधिकांश में पुलिस को यहाँ पर सफलता हासिल हुई है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें शायद शाम तक और पुलिस पार्टियां सर्चिंग अप में और तलाश कर सकती हैं, क्योंकि सुबह से ही कई जगह पर मुठभेड़ होने की बात पुलिस ने कही है और AK-47 जैसा हथियार बरामद होने से स्पष्ट भी होता है कि कोई बड़ा नक्सल कमांडर इस मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ होगा। चलिए, तो इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सर्च में और कुछ मिलता है कई ऑटोमेटिक हथियारों के मिलने की और 7 नक्सलियों की बॉडी मिलने की जानकारी अब तक फिलहाल दोनों हमारे रिपोर्टर्स भी साथी दे रहे हैं और नरेश जी भी हमको बता रहे हैं। आप लोग नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप दोनों का तीनों का धन्यवाद कि आप लगातार इस खबर को। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, भीषण सड़क हादसे में 10 की मौत हुई है, 3 लोग इसमें घायल हुए, घायलों को इलाज के लिए वाराणसी भेज दिया गया। ट्रैक्टर सवार औराई से वाराणसी जा रहे थे और कछुआ थाना क्षेत्र के कटका पड़ाव के पास यह हादसा हुआ है। हादसे से जुड़ी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। औराई से वाराणसी ये ट्रैक्टर जा रहे थे और तभी हादसे का शिकार हुआ। सड़क हादसे में 10 लोगों की दुखद मौत की खबर आई।
और खबर है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां मां जगदम्बा के मंदिर को किसी ने उखाड़कर गायब ही कर दिया। लोग इस बात से बेहद भड़के हुए हैं। एक तरफ शक्ति आराधना का पर्व, दूसरी तरफ ये करतूत। कुसमी इलाके के जंगल में रूरानाथ धाम है, जहां नवरात्रि के पहले दिन मां जगदम्बा के दर्शनों के लिए भक्त पहुंचते हैं, लेकिन भक्त ये देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए कि मां का मंदिर ही गायब है। पूरा का पूरा मंदिर खोदकर तोड़ दिया गया। आरोपियों ने जेसीबी से मंदिर को खोदकर उखाड़ा है। आरोपियों की कार्यस्थानी से मंदिर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। मंदिर के टूटने की जानकारी भक्तों को लगी। भक्तों ने इस पर भारी नाराजगी प्रकट की। प्रशासन से आरोपी को सजा देने की मांग की जा रही है। जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस पहुंच गई, आरोपी की तलाश की जा रही है। वहां जो क्षतिग्रस्त की है उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए और शासन प्रशासन मिलके जहां कहीं भी हो उस नादान को पकड़ा जाए, उससे बयान लिया जाए, उसको दंड दिया जाए। तो नवरात्रि के समय भक्तों को बड़ा झटका लगा। सीधी में मां जगदम्बा के मंदिर के दर्शन करने जब भक्त पहुंचे तो पता चला मंदिर ही गायब है, और करतूत ऐसी कि पूरा का पूरा मंदिर तोड़कर वहां से अलग कर दिया। कुसमी इलाके के जंगल में रूरानाथ धाम पड़ता है, जहां नवरात्रि के पहले दिन ये बात सामने आई है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। और सीधे रुख करते अपने सहयोगी का, मनोज जायसवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, किसकी करतूत है, कब ये सब कुछ हुआ, इसके बारे में कुछ भी इनपुट मिल पाए? जी बिल्कुल, जैसा कि तुरारात मंदिर में हम खड़े हैं, मौजूद है, और ये हम यहाँ से ग्राउंड जीरो पर हैं। और ऐतिहासिक बताया जाता है कि हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, और ये देखा जाए कि जैसे ही नवरात्रि मास समय प्रारंभ हुआ उसी बीच में ये अपराधियों ने इस मंदिर को तोड़ा है, और जिस तरह से इस पूरे मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है, तो निश्चित तौर से इस सब की आस्था को ठेस पहुंची है, और निश्चित तौर से लोगों में रोष है। जिस समय ये मंदिर तोड़ा गया है तो यहाँ श्रद्धालु इस समय बताया जाता है कि आने वालों का तांता लगा रहते हैं, हजारों की श्रद्धालुओं में रोज यहाँ श्रद्धालु पहुंचे तो देखे यहाँ पर कि मंदिर पूरे तरह से नष्ट नाबूद किया गया है। ये बीचों बीच पहाड़ी पे बना हुआ मंदिर है, वन विभाग के बीचों बीच है, और जहाँ पर कि अभी प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से फिर से लोगों की आस्था को देखते हुए पुनः मंदिर को बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है। चलिए, तो पुलिस को जल्दी ही इसके बारे में पता लगाना होगा। और जैसा हम देख भी रहे तस्वीरों में, घने जंगल और पहाड़ियों के बीच में ये पौराणिक स्थान था जिसमें लोगों की आस्था थी, लेकिन लोग हैरान हैं कि इस मंदिर को कौन उखाड़ कर पूरी तरह से नष्ट कर गया। फिलहाल पुलिस का दायित्व है कि वो जल्दी पता लगाए। फिलहाल आप नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवार बिल्डिंग से कूद गए। मुंबई स्थित मंत्रालय की तीसरी मंजिल से डिप्टी स्पीकर कूदे, जाल में फंसकर उनकी जान बच पाई। डिप्टी स्पीकर को सुरक्षित वहां से निकाला गया। मंत्रालय में लगे जाल ने उनकी जान बचाई है। नरहरी झिरवाल अजीत गुट के विधायक हैं। उन्होंने धनगर समाज को ST कोटे से आरक्षण का विरोध किया है। तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए SIT बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें CBI और राज्य पुलिस के दो दो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक अधिकारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्य सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी, तिरुपति मंदिर की तरफ से सिद्धार्थ लुथरा और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही 10,103 करोड़ रुपए की खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल सीड्स को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1,27,00,000 टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि PM किसान योजना की 18वीं किस्त कल जारी की जाएगी।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार जनता के काम नहीं करना चाहती है, रोज 100 करोड़ रुपए का कर्ज लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अराजक हो गई है, बीजेपी का चरित्र धोखे देने जैसा है। नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रतन दुबे हत्याकांड मामले में एनआईए ने 4 जगहों पर दबिश दी है। इससे पहले भी जून के महीने में एनआईए ने 12 जगहों पर छापा मारा था। छापे के दौरान 9,90,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए थे। यह भी आपको याद दिला दें कि बीजेपी नेता रतन दुबे की 4 नवंबर 2023 को नारायणपुर के कौशल नार बाजार में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगा था। रतन दुबे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव से महज 3 दिन पहले नक्सलियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBS 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। आगे सरोकार में नारी शक्ति से जुड़े मुद्दे को देखिए और परखिए कि कहीं आपके क्षेत्र में भी यही सब तो नहीं हो रहा। देखिए सरोकार, बस सबसे कुछ ही देर में हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।